केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन को हटाने संबंधित याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस रामा सुब्रमणियन की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम आज कानूनों की वैधता पर कोई निर्णय नहीं लेंगे, हम केवल विरोध के अधिकार और देश में कहीं भी मुक्त आवाजाही के अधिकार पर निर्णय लेंगे। पीठ ने कहा कि अगर किसान और सरकार वार्ता करें तो विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य पूरा हो सकता है और हम इसकी व्यवस्था करना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि हम किसानों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार को सही ठहराते हैं, लेकिन विरोध अहिंसक होना चाहिए। अदालत ने कहा कि हम कृषि कानूनों पर बने गतिरोध पर समाधान करने के लिए कृषि विशेषज्ञों और किसान संघों के निष्पक्ष और स्वतंत्र पैनल के गठन पर विचार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई अभी टल गई है। अदालत में किसी किसान संगठन के ना होने के कारण कमेटी पर फैसला नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो किसानों से बात करके ही अपना फैसला सुनाएंगे। आगे इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सर्दियों की छुट्टी है, ऐसे में वैकेशन बेंच ही इसकी सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की जाने वाली संभावित कमेटी में पी साईनाथ, भारतीय किसान यूनियन और दूसरे संगठनों को बतौर सदस्य शामिल किया जा सकता है। कमेटी जो रिपोर्ट दे उसे मानना चाहिए, तब तक प्रदर्शन जारी रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि दिल्ली को ब्लॉक करने से यहाँ के लोग भूखे रह सकते हैं, आपका मकसद बात करके पूरा हो सकता है, सिर्फ विरोध प्रदर्शन पर बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। सीजेआई ने कहा कि अब हम सब पक्षकारों को सुनने के बाद ही आदेश जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम किसान संगठन को सुनकर आदेश जारी करेंगे। वैकेशन बेंच में मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शनिवार को मामले की सुनवाई कर ली जाएगी। सीजेआई का कहना है कि किसानों को बड़ी संख्या में दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, ये पुलिस का फैसला होगा, न कि अदालत का और न कि सरकार का, जिसका आप विरोध कर रहे हैं। सीजेआई ने कि वकील ने कहा है कि हम आपको किसानों को प्रदर्शन से नहीं रोक रहे हैं, आपका प्रदर्शन करिए, लेकिन प्रदर्शन का मकसद होता है आप सिर्फ धरना पर नहीं बैठ सकते हैं, बातचीत भी करनी चाहिए, बातचीत के लिए आगे आनी चाहिए, हमें भी किसानों से हमदर्दी है, हम केवल ये चाहते हैं कि कोई सर्वमान्य समाधान निकले। तो ये वो बातें रहीं आज की सबसे बड़ी, ये वो बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने किसान प्रदर्शन के में हो रहे इस मामले की सुनवाई करते हुए दिया है। तो आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस पूरे मसले की कुछ नतीजे निकलकर सामने आए। न्यूज रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।